आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को
कोई नहीं दबा सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा, संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, मुझे बताइए जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ, किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ, किस किसान को फायदा हुआ, किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन। 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, ये आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है, वो पूरे देश को दिख रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कल में से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है, मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला, चुनाव से कुछ ही महीने पहले। अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते, नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए,
और आप सत्ता में रहो।